गुड इवनिंग एवरीवन। इसके पहले के वीडियो में हमने जाना वैल्यू फंड के बारे में, आज हम जानेंगे मिड कैप फंड के बारे में। मिड कैप फंड यानी ऐसे स्टॉक्स जो टॉप 250 स्टॉक्स में आते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, और साथ ही में वो मिड कैप कैटेगरी में होने चाहिए। ऐसे कैटेगरी में जो टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहला आ रहा है DSP मिड कैप फंड, विच इज़ अ डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान, जिसका रिटर्न है पिछले 5 सालों में 16.53 के आसपास। दूसरा जो है म्यूचुअल फंड इस कैटेगरी में आ रहा है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, विच इज़ अगेन अ ग्रोथ प्लान, विच इज़ गिविंग रिटर्न ऑफ 14.16%। एक्सेस मिड कैप फंड विच इज़ गिविंग अ रिटर्न ऑफ 16.17%। इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप फंड विच इज़ अ ग्रोथ प्लान विच इज़ गिविंग अ रिटर्न ऑफ 14.28%। और SBI मैग्नम मिड कैप फंड विच इज़ अ रेगुलर प्लान विच इज़ गिविंग रिटर्न ऑफ 10.17। तो ये टॉप 5 स्टॉक्स है या टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स है जो इस पर्टिकुलर मिड कैप कैटेगरी में आपको अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। आने वाली वीडियोस में और एक कैटेगरी आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड की, और उस कैटेगरी में कौन से टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू।